अस्सलाम वालेकुम, बाबराज किचन में बाबरा आपको वेलकम करती है। आज बाबराज किचन में बने जा रही है मज़ेदार चना चाट। लोबिया भी इसके अंदर मैंने ऐड किया है, आलू भी मैंने इसके अंदर ऐड किया है। लोबिया, चना, आलू मैंने बॉईल कर लिए हैं। खीरा मैं इसमें एडिशनल ऐड करूँगी। अगर आपको खीरा पसंद हो तो ज़रूर ऐड करें। खीरे के छिलके अगर आप उतारना चाहें तो उतार लें, वरना आप छिलकों समेत भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले हमने खीरे की लेयरिंग कर ली है। प्याज थोड़ा सा मैंने पहले ऐड किया था ताकि वो भी ऐड हो जाए। अब लोबी की लेयरिंग करेंगे। अच्छे से लोबी की लेयरिंग करने के बाद यहाँ पर मैं आलू की लेयरिंग कर लूँगी। आलू मैंने बारीक कट कर लिए हैं। और अब इनकी लेयरिंग करने के बाद हम इनके ऊपर चने जो हैं वो स्प्रेड कर देंगे। चने की लेयरिंग करने के बाद आप देखिएगा कि इसके बाद हमने इसके अंदर कैसे किस तरह लेयरिंग करके एक बिल्कुल प्रेजेंटेबल बाउल बनाया है जी। इमली की चटनी मैंने यहाँ पर ऐड कर दी है। इमली की चटनी की रेसिपी जो है वो मैंने लिंक यहाँ पर ऐड कर दिया है, आप वहाँ क्लिक करके वो रेसिपी देख सकते हैं। इसके बाद प्याज हम इसके ऊपर सेट करेंगे, सलाद पत्ता ऐड इसके ऊपर सेट कर लेंगे। और फिर इसके साथ ही हम सब्ज़ मिर्ची ऐड कर देंगे। अगर बारीक पुदीना कटा हुआ है तो वो भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। ये पुदीने और हरे धनिए की चटनी है, ये भी इसके अंदर मैं ऐड करूँगी। थोड़ी सी शुगर भी मैंने इसके अंदर ऐड की हुई थी। अगर इसकी भी आपको रेसिपी चाहिए तो आप मेरी मैं लिंक यहाँ पर ऐड कर रही हूँ, आप क्लिक करेंगे तो आपको रेसिपी वहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, अब हम यहाँ पर अपने टमाटर के स्लाइसेस जो मैंने कट किए थे वो ऐड करूँगी। चाट मसाला ऐड कर लूँगी। अगर आपको तीखा ज़्यादा पसंद है तो आप ऐड करें, अदरवाइज़ चटनियों के अंदर वफर मकदार में मेरे मसाला जाते हैं और तीखापन भी इसमें काफ़ी है। ठीक है, अब आप इसकी लेयरिंग कर लेंगे। अब इसको आप प्रेजेंट कर लें लीमू के साथ और या फिर मज़ीद केचप के साथ आप इसको सर्व करें। मज़ेदार सी चाट आपके सामने है बाबराज किचन में। बाबरा को इजाज़त दीजिए, लेकिन इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और मेरी वीडियोस को शेयर कीजिए। तो मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाबराज किचन में बाबरा आपसे इजाज़त चाहती है। अल्लाह हाफिज़।